हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से होंगे। सबके साथ रहना और खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल की लाइफ जा रही है बहुत मुश्किल है, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पीनट बटर के साथ ये सैंडविच। तो बस ब्रेड को ऐसे हल्का सा टोस्ट कर दिया है और यहाँ पर पीनट बटर और बनाना के साथ बनाएंगे सैंडविच। जैसे सैंडविच हो ना वैसी लाइट आई, और लाइट भी तभी आती जब सैंडविच बन चुका। तो ये है यमी सा ब्रेकफास्ट अनंत का। अनंत ब्रेकफास्ट बेटी की क्लास मॉर्निंग में जल्दी शुरू हो जाती है तो 8 बजे तक मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ। हम लोग अभी बादाम खाएंगे, फिर और सारी चीज़ें जो ड्रिंक वगैरह मॉर्निंग ड्रिंक होते हैं वो पीते हैं। योगा वगैरह करते हैं तो टाइम लग जाता है, तो मैंने आज दाल के लिए भी तैयारी कर दी है, क्योंकि दाल ऐसे भिगो के कोई रखी नहीं थी, तो अरहर और मलखा भिगो के मैंने इस तरह से साफ़ कर ली है और यही बनेगी लंच के लिए। तो लंच के लिए क्या, मैं उसको जल्दी ही बना दूँगी। ये जो दाल का पानी होता है ना साफ़ करके, उसको मैं डाल देती हूँ मनी प्लांट पे या फिर पाम ट्री जो इंडोर है, उनको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और अब इस दाल को मैं भिगो के छोड़ दूँगी। दाल का पानी हो या चावल का पानी, जब भी मुझे लगता है ना कि पौधों को ज़रूरत है तो मैं उसमें डाल देती हूँ। वैसे निकालने की तो हमेशा आदत है मुझे कि मैं अलग ही रखती हूँ उसे, पर कई बार नहीं डाल पाते। बट इस तरह से अगर डालते हैं तो काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को। ये मनी प्लांट यहाँ पे देखिए इनडोर ही समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये लॉबी में है तो यहाँ पे सनलाइट तो आती है पर धूप एकदम डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ती है, तो कितने लैश ग्रीन ये हो रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे जल गए थे। पाम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। दूसरा पाम जो अंदर मैंने रखा था वो भी इस बार बाहर कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड को लग रहा है इसकी वजह से हल्के से मच्छर हो रहे हैं, तो वो हटा दिया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत पत्तियाँ पीली हो जाती हैं जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, तो उन्हें आप हटा लो ना तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप लगे रहने देंगे तो प्लांट भी इन पत्तों को भी जीने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता है, तो इस तरह से अगर आप हटा देते हैं तो फिर ये उसकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है और पौधा अच्छा हो जाता है। तो ये भी मैंने निकाल दिए हैं। रोज़ के रोज़ पौधे में कुछ ना कुछ निकालना होता है। यहाँ पे हस्बैंड का मेडिटेशन और योगा चल रहा है, वो कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह करते ही हैं। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं बस अपने सूक्ष्म आसन जो होते हैं वो करती हूँ, ताकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। हर रोज़ भी नहीं हो पाता मुझसे, कई बार तो बस सिंपल ओम करके मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, बट ये कि थोड़ी देर में बैठती ज़रूर हूँ यहाँ पर, तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और आजकल का जिस तरह का माहौल है ना,
हम लोग शाम को वॉक भी जाते हैं वैसे, थोड़ा सा अंदर ही करते हैं सोसाइटी में, बाहर तो नहीं जा रहे हैं, बट ये कि इससे थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है, अपने को थोड़ा सा मोटिवेट रखने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि कोई और बाहर से कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप अपने आप को एंटरटेन कर पाओ। तो खुद के अंदर ही जो चीज़ आप कर सकते हो ना, खुद के मन को किस तरह से आप संभाल सकते हो, बस ये इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया इस टाइम पे वही सरवाइव कर पा रहा है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे ना, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में वो लोग जा रहे हैं जिनकी फैमिली में कुछ हो रहा है। हमारी फैमिली में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं बीच में, तो काफ़ी एंजाइटी मैंने फील करी, काफ़ी बार तो हार्ट बीट बढ़ जाती थी और बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था। अभी जब से ये योगा और मेडिटेशन की तरफ हम हैं, थोड़ा सा बाहर भी निकलते हैं कभी कभी, तो वो उस चीज़ से काफ़ी रिलैक्स मैं फील कर रही हूँ। हम लोग कम से कम 1-1.5 साल से फ्रूट ही खाते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, हर रोज़ तो नहीं मैं कह सकती कि हर रोज़, गर्मियों में तो रेगुलर हमारा रहा था, बट विंटर्स आते आते थोड़ा सा चेंजेस हो गए थे, तो हम लोग कभी कभी जब मन करता था कि कुछ नमक वाली चीज़ खाने का सुबह, तो हम लोग सिंपल सा कोई ब्रेकफास्ट बना लेते थे, अदरवाइज़ हमारे रहता है कि 3 या 4 दिन हम फ्रूट ही खाएँ। तो अभी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी हस्बैंड की, तो मेरा भी रूटीन नहीं बन पा रहा था, अकेले के लिए मन नहीं करता था, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत बनता था वही मैं खा लेती थी। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू मुझे हैं, तो मैं ये चीज़ फॉलो करना भी चाहती हूँ। तो अभी हस्बैंड भी अब ये चीज़ स्टार्ट की है उन्होंने, फ्रूट वगैरह उनको भी ठीक लग रहा है अब थोड़ा सा, तो हम लोगों ने अगेन ये फ्रूट खाना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमने यही फ्रूट खाना है, जो भी सीज़न में इजीली अवेलेबल फ्रूट है वही हम खा लेते हैं। कई बार कोई फ्रूट नहीं होता है, केला हमारे घर में हर टाइम होता है, तो हम 1 या 2 केला खाकर भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आजकल वाटरमेलन, मस्कमेलन आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छे मुझे लगते हैं इस टाइम पे, सीज़न में जो रहता है ना उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। मैंगो आ रहे हैं, मैं प्री डायबिटिक हूँ तो मैं मैंगो कम लेती हूँ, तो जैसे कोई और फ्रूट के साथ 1 स्लाइस मैंगो की ले ली तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, जो बहुत मीठा फ्रूट मुझे लगता है। बट जैसे खरबूजा, तरबूज, ये मीठे होते हैं बट मैं इनको लेती हूँ क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट काफ़ी रहता है। तो बस यही रहता है हमारा मॉर्निंग में। स्मूदी वगैरह आजकल नहीं बन पा रही है क्योंकि हरी सब्जियाँ ही नहीं मिल पा रही हैं, और आपने देखा मेरे गमलों में भी ऐसा कोई हरे पत्ते एज सच है नहीं, पुदीना के अलावा पान के पत्ते थे लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे, गिलोय था, अब वो सारी चीज़ें कम हैं थोड़ी सी, तुलसी भी नहीं बन पा रही है, तो इसलिए मैं घर पर स्मूदी नहीं बना पा रही हूँ आजकल। तो हम लोग फ्रूट खा लेते हैं या फिर कभी कभी मैं हॉट वाटर के साथ एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, बस यही रहता है मॉर्निंग में। तो बस अब ये फ्रूट वगैरह खाऊंगी इस टाइम में, आराम से रिलैक्स होकर बैठ के फ्रूट खाती हूँ। आप लोगों के कमेंट जो होते हैं उनके कई बार आंसर करती हूँ, कई बार सिंपल पढ़ लेती हूँ आंसर बाद में लैपटॉप पे बैठ के करती हूँ, बट फ़ोन पे एक बार नज़र ज़रूर दौड़ा देती हूँ कि क्या क्या कमेंट आए हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस है मेरे वीडियो का, या आगे मुझे क्या करना है, वो सारी प्लानिंग यहाँ पर रिटर्न में तो नहीं बट मन में मेरी चलने लगती है कि इस टाइम पे क्या मुझे आगे आज दिन भर में करना है। यहाँ का वेदर ना आजकल ऐसे हो रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी इस तरह का है, और 4 बजे के आसपास ना फिर बारिश होना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए चेरी टमाटोज छोटे छोटे से, पता नहीं ये इसमें ग्रो भी नहीं हो रहे हैं इस टाइम पे ना, खाद वगैरह लानी वो भी नहीं हो पा रहा, कहाँ जाओ लेने के लिए। तो ये है देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये, आज मैं निकालूंगी इनको, जो ये पक गए ना फिर ये, यहाँ पे कबूतर आते हैं वो इनको बस ही वेस्ट कर देंगे, आज कुछ बनाएंगे तो उसमें इनको डालेंगे, ये ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक ख़राब ही हो गया शायद, छोटे छोटे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो ये पके पके वाले निकाल लूँगी आज। तो ये है मेरा गार्डन अपडेट, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया इस पर देखिए। और यहाँ पे थी प्याज, तो ये मैंने इस तरह से निकाल दिए बाहर, इनको थोड़ा सूख जाएंगे ना फिर प्याज यूज़ कर लेंगे, ये इसको खाली करूँगी फिर इसमें कुछ बोऊँगी, धनिया बो सकते हैं, मेथी वगैरह तो इस टाइम नहीं होगी, राई, ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, हटा ही देती हूँ। ये ना पौधे जो वैसे होते हैं ना अनवांटेड, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसमें बस ये गेंदे का है और एक ये बैंगन, ये हर साल ही एक लग जाता है पता नहीं खुद से, ये बैंगन का पौधा। और ये है मोरवा, इसके भी ना बीज इसमें ही डाल देती हूँ तो इसी में उग जाते हैं, पता नहीं इस टाइम में तुलसी मोरवा ये अच्छे से हो नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है इनका, तुलसी भी बिल्कुल वैसी हो रही है, उसे पत्ते ही नहीं आने को रहे,
अगर आपको कुछ पता हो ना किस तरह से तुलसी में पत्ते आ सकते हैं, इस टाइम तो आने चाहिए ना पत्ते, मुझे लगा थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे बट आ नहीं रहे। ये भी तुलसी की ही ब्रीड होती है पर ये वाइल्ड वाली है, तो इसको चटनी वगैरह में यूज़ करते हैं, पास्ता में भी। स्वीट बेजल नहीं है बट ये वाइल्ड बेजल है, पर टेस्ट वैसे ही आता है। ये सब है और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि है तरबूज। ये जो तरबूज की बेल है ना, इसमें छोटा सा तरबूज यहाँ पे लगा हुआ है, वो एक तरबूज जो मैंने यहाँ रखा है ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये तरबूज, उसमें खाते ये लटक रहा था नीचे, मैंने फिर उसको ऐसे रख दिया। ये मैंने सारी सब्जियां क्लीन कर ली हैं, आ जाई है पालक, गाजर है, गोभी, केले, ये फलियां, आम, तरबूज, खरबूजे भी आए हैं, वो मैंने धो के रखते हैं फ्रिज में रखते हैं वो तो। और ये पालक दो गड्डी थी तो काफ़ी सारी है पालक, ये कुछ इसका साग बना लेंगे, कुछ सूखी सब्जी। इसके साथ ही मैंने ये धनिया अच्छे से धो के इस तरह से ना पंखे में सुखा देते हैं एक बार ना, फिर ये बहुत अच्छा हो जाता है और हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगा इसको इस तरह से रखेंगे तो। अभी रखूँगी इसको तो आपको दिखाऊँगी कैसे रखती हूँ, पर ये अभी इतना ड्राई हो गया ना तो इसको ज़्यादा ख़राब होने के इसके चांसेस कम ही हैं। इस तरह से ड्राई होने के बाद ना इसके ख़राब होने के चांसेस कम ही रहते हैं। पंखे के नीचे बस मैंने इसे सुखा दिया था, इसको आधा घंटा हो गया। तो ये हमारा धनिया रेडी हो गया, सब्जी, किचन भी क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पर मैंने दाल बना ली है जो मैंने भिगोई थी। अब बस राइस बनाने हैं दिन में, थोड़ा सा रायता। मैंने इस तरह का ये मसलन क्लॉथ ले लूँगी इसके अंदर ऐसे, और फिर ये सारा धनिया थोड़ा सा मैं बचा देती हूँ दाल के लिए। तो ये है हमारा सिंपल सा लंच, यहाँ पर हल्दी का अचार है, चावल, और ये है सब्जी और अरहर मलका जो मैंने भिगो के रखी थी मॉर्निंग, उसकी दाल बनाई है। तो ये सिंपल सा लंच हमने किया। मौसम आपको दिखाती हूँ, रोज ही हो जाता है ये, मैंने कैमरा फ्लिप करके फिर ये देखिए
तो इस तरह का चल रहा है आजकल देहरादून का मौसम। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, ये रूटीन है। हवा चलती है और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो अच्छा हो गया है मौसम, काफ़ी ठंडक भी हो गई है यहाँ पर। तो बस ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी ने जो बर्थडे विशेस भेजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखना। आप ही सब मेरी स्ट्रेंथ हो, जिस वजह से मैं थोड़ा सा काम कर पाती हूँ, आपके लिए कुछ क्रिएट कर पाती हूँ। तो बस मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।